दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच सबसे रोमांचक T20 सीरीज का लुत्फ उठाने के लिए एक्साइटेड है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द शुरू होने वाला है इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस साल की सबसे बड़ी T20 सीरीज का घमासान। आ गई है तारीख, तय हो गया है मैदान, BCCI ने कर दिया है। भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। तो आखिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच कितने मैचों की सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, कहां खेले जाएंगे ये सबसे रोमांचक मैच, किस समय पर होगी इनकी शुरुआत, साथ ही साथ किन 11 खूंखार भूखे शेरों को BCCI ने दिया भारत की प्लेइंग 11 में मौका, ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया का श्रीलंका द्वारा तो थोड़ा खट्टा मीठा रहा। जहां T20 सीरीज में तो टीम इंडिया ने आसानी से 3-0 से श्रीलंका का सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन वनडे सीरीज में श्रीलंका ने भारत का सुपड़ा साफ करते हुए हिसाब बराबर किया। हमारी वनडे टीम को 2-0 से धूल चटाकर इतिहास लिखा, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया था। लेकिन अब भारतीय फैंस के कुछ खुशियां दोगुनी होने जा रही हैं, क्योंकि अब एक नए दौरे का ऐलान हो चुका है, जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बहुत जल्दी टीम इंडिया का बांग्लादेश द्वारा शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि यह सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात है ये तो आपको मालूम ही है। वहां के लोग सुरक्षित नहीं है तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं। इसलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया आने वाली है। इसके पूरे शेड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है और इसके बाद उन्हें 43 दिनों तक कोई क्रिकेट नहीं खेलना है। ऐसे में प्लेयर्स के पास एक लंबा ब्रेक होगा और उसके बाद बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर आएगी। दरअसल सितंबर में बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर आएगी और इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेली जाएगी। हालांकि दोनों टीमें पहले टेस्ट श्रृंखला में आमने सामने होंगी और उसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 सितंबर से होगी, जबकि T20 श्रृंखला की शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी और इसका पहला मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। पहला T20 मैच 6 अक्टूबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद यह कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 9 अगस्त को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में 2-2 हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा, जैसा हमेशा होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में यह सीरीज देख सकते हैं। वही टीवी स्क्रीन पर आपको स्पोर्ट्स 18 के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत के साथ ही दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। ऐसे में अब वे दोनों टीम इंडिया के लिए इस फॉर्मेट के लिए खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ इस सीरीज में T20 विश्व कप वाले 10 प्लेयर्स को मौका दिया जा सकता है। इसमें सबसे पहला नाम कप्तान सूर्य कुमार यादव का शामिल है। सूर्या इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी बन चुके हैं और वे अब टीम के कप्तान भी हैं। बता दें कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि दिग्गज हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या टीम के अगले कप्तान होंगे, लेकिन उनके स्थान पर सूर्या को कप्तानी सौंप दी गई। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक भी शामिल होगा और वे खेलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आराम मांगा था और इस श्रृंखला से वापसी कर सकते हैं।
वही चार ऐसे नए खिलाड़ी हैं जिनकी इस सीरीज पर वापसी हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं वह कौन से 15 खिलाड़ी इस सीरीज में शामिल होंगे। और यह T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी, इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ सूर्य को हिंदुस्तान का कप्तान बनाया गया था, उन्होंने टीम इंडिया को 3-0 से जीत दिलाई थी। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ भी सूर्य के कंधों पर ही टीम इंडिया की कमान रहने वाली है। वहीं हार्दिक पांड्या को टीम का उप कप्तान बनाया जाएगा। इसके साथ ही कई नए चेहरों को भी इस टीम में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाली यह सीरीज तो काफी रोमांचक होने वाली है, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलिए BCCI द्वारा की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों T20 में कितने खतरनाक हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली T20 सीरीज में लाजवाब काम किया था, साथ ही वह विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI द्वारा दिया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन T20 में वह एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर सातवें और आठवें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। नौवे पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेश डिपार्टमेंट में 10वें और 11 नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। दोस्तों अब यही टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, इसमें ऋतुराज गायकवाड़ की भी वापसी हो सकती है, तो वही जसप्रीत बुमराह अभिषेक शर्मा को भी मौका मिल सकता है। लेकिन आपको कैसे लगी ये टीम? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच ड्रेसिंग रूम में तगड़ी बहस देखने को मिली। इस लड़ाई ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करके रख दिया। आपको बता दें लड़ाई के बाद विराट कोहली ने खुद इसका बड़ा खुलासा किया है। तो आखिरकार तीनों के बीच क्या हुआ था, विराट कोहली ने अपने बयान में क्या कहा, ये चलिए दिखाते हैं उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ तीनों वनडे मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। किंग कोहली पहले मुकाबले में 24 रन बनाकर आउट हुए, तो दूसरे मुकाबले में उन्होंने केवल 14 रन की पारी खेली। यहां तक कि तीसरे वनडे मैच जिसमें टीम इंडिया की जीत बेहद जरूरी थी, उसमें भी विराट कोहली केवल 20 रन बना पाए। भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ दुनिया भर के फैंस को ऐसा लगता है कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने करियर के इस पड़ाव पर विराट कोहली स्पिन गेंदबाजों से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका फॉर्म कमाल है। श्रीलंका के खिलाफ जब भारतीय टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो आउट होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम के ऑलमोस्ट सभी बल्लेबाजों का प्रदर्शन खराब रहा। पहला मुकाबला इसकी वजह से ड्रॉ हुआ, लेकिन दूसरा मैच टीम इंडिया 240 रन से चेस करते हुए 32 रनों से हार गई और तीसरे मैच की तो क्या ही बात करें, 248 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया 110 रनों से हारी। हालांकि इस दरमियान दूसरी तरफ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने तीनों ही मुकाबले में काबिल तारीफ बल्लेबाजी की। पहले मुकाबले में ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी जड़ी, तो दूसरे मुकाबले में भी हिटमैन ने तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने 44 गेंदों में 64 रन बनाए। तीसरे मैच में भी उन्होंने तूफानी 35 रन बनाकर वो भी केवल 20 गेंद पर टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। बावजूद उसके भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा।
दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए। पहला मुकाबला टाई हो जाने के बाद गंभीर वैसे ही गुस्से में थे। दूसरे वनडे की हार ने उनके गुस्से की आग में घी डालने का काम किया और जब तीसरे वनडे में हार के बाद टीम इंडिया सीरीज में भी हार गई तो उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया, जैसा कि आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं। डगआउट में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच तगड़ी बहस देखने को मिली। दोनों ने जमकर कहासुनी हुई।